गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं राबिया। वाओ कितना अच्छे से बोला ना मैंने। क्या आप लोगों को पता है तकरीबन 95% लोगों की स्किन का टेक्सचर खराब होता है। यस, स्किन का टेक्सचर इतना खराब होता है कभी कभी दिल करता है कि सैंड पेपर लेके ही ना अपने चेहरे पे घिस ले। डेड स्किन सेल्स की इतनी लेयर जमा हो जाती है, स्किन इतनी डल दिखती है, डिस्कलरेशन, अनइवन स्किन टोन, स्कार्स, लार्ज पोर्स, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। आप भी एक बार चेक कर लो, आप 95% में आते हो या 5% में। अगर 95% में आते हो ना, डरो मत, बस चुपचाप से आज जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ ना उसको फॉलो करो। सिर्फ 3 यूजेस में आपकी स्किन के टेक्सचर को बिल्कुल स्मूथ करेगा, आपकी स्किन को बटरी सॉफ्ट बनाएगा और आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करके आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा, यानी कि 2-in-1 का काम करेगा। लेकिन मैं आपको तब बताऊंगी जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे, ठीक है? प्रॉमिस। चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो से। इस ट्रीटमेंट के टोटल 3 स्टेप है। पहले स्टेप में हम करेंगे फिजिकल और केमिकल एक्सफोलिएशन। इसके लिए आपको लेना है एक बोल में 2 बड़े चम्मच दही के। ये दही गाढ़ी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे घर में जो थी मैं वो यूज कर रही हूँ। लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप जितनी गाढ़ी दही यूज करोगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2 चम्मच दही में आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कॉफी पाउडर और ऐड करना है 1 चम्मच लेमन जूस की, यानी कि नींबू का रस। इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और अच्छे से फेस वॉश करने के बाद इसको आप लेके आप अपने पूरे फेस पे एज अ फेस मास्क अप्लाई करेंगे। यस, अगेन आई एम रिपीटिंग, जितनी गाढ़ी दही होगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दही में प्रेजेंट लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड ये आपकी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करेंगे, आपकी स्किन से जो डेड सेल्स की लेयर है उसको करके खा लेंगे। यस, आपकी स्किन इससे ब्राइटन अप होगी, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है। इससे अगर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या किसी भी तरह की मेलानिन का डिपोजिशन है उसको रिड्यूस करता है, मतलब आपकी स्किन से टैनिंग को भी रिड्यूस करता है और आपकी स्किन टोन को इवन आउट करता है। कॉफी में प्रेजेंट जो कैफीन है वो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। उसके अलावा इसको हमने स्किन ब्राइटनर की तरह यहाँ पे यूज किया जो आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करेगा या आपकी स्किन को एनर्जाइज भी करेगा, रिजुवेनेट भी करेगा। इसको अच्छे से आपको अप्लाई करना है और उसके बाद में आपको वेट करना है 20-25 मिनट्स के लिए और तब तक आप एक काम करोगे, आप लोगे थोड़ी सी शुगर, एक बोल आप शुगर लीजिए यानी कि चीनी, और इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए और इसको आपको पीसना है। कितने देर? सिर्फ 3-4 सेकेंड्स। यस, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं, मतलब ये बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए ना बिल्कुल जाड़ा होना चाहिए, दोनों के बीच का इसका साइज रहना चाहिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा जो हमको एक्सफोलिएशन, फिजिकल एक्सफोलिएशन में ये काम आएगा। अब अगर आपके 20 मिनट हो गए हैं तो ये शुगर को लेके आप अपने स्किन पे बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरह से, इससे बिल्कुल ज्यादा प्रेशर ना लगाए, इसको लेके आप अपने फेस पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे रब करें, वही दही लगी हुई स्किन पे। दही से हमने केमिकली एक्सफोलिएट करके जितने डेड सेल्स निकल सकते हैं हमने उसको रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अभी भी जिद्दी डेड सेल्स है जो आपकी स्किन को छोड़ेंगे नहीं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये फिजिकल एक्सफोलिएशन यूज कर रहे हैं जो आपकी स्किन से जो भी जिद्दी सेल्स है उसको रिमूव करता है। इससे आपकी स्किन अगेन ब्राइटन अप होती है। अब समझ लो कि ये आपकी स्किन के लिए सैंड पेपर की तरह काम कर रहा है और आपकी स्किन के टेक्सचर को ये स्मूथ कर रहा है। तो जितने आराम से आप इसको कर सकते हो उतने आराम से करो और जितने देर के लिए आप कर सकते हो मैक्सिमम 8-10 मिनट्स के लिए आप इसको अपने फेस पे करें, इससे ज्यादा बिल्कुल भी प्रेशर ना लगाए अदरवाइज आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। हल्के हाथों से आप अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से रब करें, इससे आपकी स्किन से डेड सेल्स भी रिमूव होते हैं, ब्लैक हेड्स भी रिमूव होते हैं, व्हाइट हेड्स रिमूव होते हैं, बम्स की प्रॉब्लम आपकी रिड्यूस होती है, इससे आपकी स्किन का टेक्सचर स्मूथ होता है, आपकी स्किन इससे ब्राइटन अप होती है और आपकी स्किन इससे ग्लो भी करती है। इसको लेके आपको अपने फेस पे अच्छे से रब करना है तकरीबन 8-10 मिनट्स के लिए और उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। यस, सिर्फ आधे घंटे का ये पहला ट्रीटमेंट करके भी आप अपनी स्किन में एक्चुअल डिफरेंस देख पाओगे, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, आपको अभी यहाँ पे दूसरा स्टेप करना है और उसके लिए आपको लेना है एक बोल में 1 चम्मच विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर यूज करें, नहीं है तो व्हाइट विनेगर भी यूज कर सकते हो, दोनों इक्वल काम करेगा आपकी स्किन के लिए, आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसमें आपको ऐड करना है 1-1.5 चम्मच नॉर्मल प्लेन वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक कॉटन बॉल लीजिए, इसको इसमें डिप करें और अच्छी अच्छी क्वांटिटी में इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करें। इसको करने से पहले अगर आपको डर लग रहा है विनेगर वगैरह यूज करने के लिए तो आप बिल्कुल एक पैच टेस्ट जरूर करें। सिर्फ ये ही नहीं, कोई भी जो भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ, कोई भी स्टेप आप करते हो उसके पहले प्लीज आप अपने स्किन में पैच टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। अगर आपको और भी डर लगता है आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसमें डाइल्यूशन में आप थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा पानी ऐड करें और फिर इसको यूज करें, ठीक है? इसको लेके आप अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ये केमिकल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, स्किन को आपकी स्मूदन करता है,
डेड सेल्स को रिमूव करता है, लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, ये आपके स्किन के सिर्फ पुराने सेल्स को नहीं निकालता, न्यू सेल्स के जनरेशन में हेल्प करता है, आपकी स्किन को ये रीसरफेस करता है, इसीलिए अगर आपको स्कार्स की प्रॉब्लम है तो वो भी भरने लगती है और आपके स्कार्स की प्रॉब्लम रिड्यूस होने लगती है, लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम भी आपकी रिड्यूस होने लगती है। अगर सिर्फ 3 यूजेस में आप अपने स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करना चाहते हो, अपने स्किन से स्पॉट्स को रिड्यूस करना चाहते हो, अपने पोर्स को रिड्यूस करना चाहते हो, तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसको आपको अपने फेस पे ऐसे ही रखना है, इसको अच्छे से ड्राई होने देना है। जैसे ही ये ड्राई हो जाता है, आपको हाथ में रखनी है एक बादाम के तेल की बॉटल, आपको इसको भर भर के नहीं लगाना है, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप इसकी लेनी है बादाम के तेल की, आप अपने हाथ में 3 ड्रॉप लीजिए। इसको इस तरह से, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, इसको इस तरह से अच्छे से आप अपने हाथों में रब करें, जितना तेज कर सकते हो उतना अच्छे से रब करें, उसको गर्म करें और सिर्फ ऐसे ही लेके आप अपने फेस पे इसको लगा लीजिए। ठीक है, आपको इसको रब नहीं करना है, मसाज नहीं करना है, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से करें। जो विनेगर हमने यूज किया था उसके तुरंत बाद जब आप इसको लगाओगे ना, उसका जो रिजल्ट है ना वो दुगुना हो जाता है। ये सबसे पहले तो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा, प्लस अगर आपको कोई इरिटेशन हो रही है, सेंसिटिविटी महसूस हो रही है, तो वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारी डेड स्किन सेल्स की लेयर निकली, हमारे न्यू स्किन सेल्स जो बाहर है उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाएगा आपकी स्किन को, आपके सेल्स को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, ये अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगा। आपकी स्किन में रेडियंस लाने के लिए, आपकी स्किन में मेलानिन को रिड्यूस करने के लिए, आपकी स्किन टोन को इवन करने के लिए, लाइटन करने के लिए ये स्टेप बहुत ही जरूरी है। प्लस आपके हमने जो भी स्टेप किया उसको सील करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। बस ये सिंपल से 3 स्टेप वाले ट्रीटमेंट है गाइस। कितना टाइम लगा आपको इसको करने में? हार्डली आधा घंटा लगेगा। सिर्फ 3 यूजेस में इससे आप अपनी स्किन में माइंड ब्लोइंग डिफरेंस देख पाओगे, ट्रस्ट मी। सिर्फ 3 यूजेस में, 3 यूजेस बोल रही हूँ, 3 दिन नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें एक्सफोलिएशन है, आप इसको हर रोज नहीं करोगे, एक दिन छोड़ के एक दिन करें अगर आपकी स्किन परमिट करती हो, या फिर 2 दिन छोड़ के आप अगले दिन कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम 6 to 7 days में आप अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो, अपने कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्किन को एक अलग ही लेवल पे देख सकते हो सिर्फ 6 to 7 days में। मैं आपको चैलेंज भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि उसको जरूर करना, आपको बहुत अच्छा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन गाइस प्लीज, उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मैं और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल कंटेंट आपके साथ में शेयर कर सकूं। प्लीज वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल राबिया के किचन को भी सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं उस पर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक ले, ठीक है, बाय।